हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो गाइस आज की वीडियो में आप देखने है वाले हैं अगर आपके पास कोई पुरानी कपड़ों के टुकड़े बचे हुए हैं तो आप उसके स्क्रंचीज कैसे बना सकते हैं तो गाइस मैंने एक ड्रेस बनाई हुई थी जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल दी है अगर आप देखना चाहते तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन टॉप में दे सकती हूँ तो गाइस वो ड्रेस पूरी बनाने के बाद ये कपड़ा बचा हुआ था तो गाइस मैंने सोचा कि हूँ इसकी स्क्रंचीज बना दी जाए तो गाइस देखिए स्क्रंची बनाने के लिए आपको सबसे पहले इससे से कपड़ा लेना है जिसकी चौड़ाई आपको साढ़े चार इंच उसकी लंबाई आप चाहे तो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से ले सकते हैं यहाँ पे मैंने लिया हुआ है थर्टी फाइव इंचेज सॉरी तो गाइस आप तो लेंथ अपने हिसाब से ले सकते हैं और चौड़ाई भी अगर आपको ज़्यादा फुल और फूल असा पसंद है तो आप ज्यादा ले सकते हैं अगर आपको कम आ, पसंद है तो आप कम भी ले सकते हैं तो, तो गैस उसके बाद आपको सिंपली टू फोल्ड में रख के इसमें स्टिचिंग कर लेनी है तो गैस ये सबसे ईजी वे है उस बनाने का तो ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको इससे टू फोल्ड में लेते हुए इसमें सिंपली स्टिचिंग कर लेनी है तो गैस मैंने टू फोल्ड में रख के उसको स्टिचिंग करनी थी जो कि मैंने कर लिया उसके बाद हमें इस तेज सेफ्टी पिन ले लेना है और सेफ्टी पिन की हेल्प से हमें फ्लिप कर लेना है तो देख सकते हैं जिस तरीके से मैं कर रही करूँ सिंपली आपको इसी तरीके से इसको फ़्लिप करना है तो वैसे इस तरीके से फैब्रिक को फ़्लिप करने के बाद हमें लेना है इलास्टिक इलास्टिक आपको अपनी जो कलाई होती है आ, उसके हिसाब से ही लेना है उसकी चौड़ाई के हिसाब से तो यहाँ पर मैंने लिया है पाँच इंच मतलब आपकी अगर आपकी, आपकी कलाई की चौड़ाई छः इंच है तो आप उसको आधा इंच या फिर एक, एक इंच कम करके ले सकते हैं तो मैंने यहाँ पर लिया है पाँच इंच उसके बाद हमें इस तरीके से सेफ्टी पिन की हेल्प से जो हमारा फैब्रिक है इसके अंदर इसको वट कर देना है जल्दी से तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इलास्टिक इसके अंदर पुट कर दिया उसके बाद हमें जो इलास्टिक के दोनों पोर्शन है ना उसको भी स्ट्रेच कर लेना है आपस में तो गैस यहाँ पे हमने अपनी इलास्टिक को तो स्ट्रेच कर लिया उसके बाद जो हमारा खुला हुआ पोर्शन होता है जहाँ से हमने भी इलास्टिक पुट करा होता है उस वाले पोर्शन को स्ट्रेच करना होता है तो उसके बाद हमें सिंपली इस तरीके से इसको लेना है और इसको भी जो खुला हुआ पोर्शन था उसको भी अच्छे से स्ट्रेच कर लेना है तो गैस हमारी जो फाइनल स्टिचिंग थी हमारी स्क्रंचज़ में वो भी हो चुकी है और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे गैदर्स हमारी जो स्क्रंचिज़ है उसमें बन के आ चुके हैं और हमारी जो स्क्रंची है वो भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताइए आपको स्क्रंची कैसी लग रही है मेरी बिल्कुल रेडीमेड लग रही है नहीं लग रही है प्लीज कॉमेंट्स में जरूर बताएगा और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग कीप सपोर्टिंग कीप लविंग थैंक यू